कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि शहर प्रशासन ने आरोपियों के 147 अवैध संपत्तियों की पहचान की है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर बुलडोजर भी चल सकता है। इसी बीच कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल कुसैद हादी ने कहा है, अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांध कर बाहर निकल आएंगे। आपको बता दें कि कानपुर में मुस्लिम संगठनों ने 3 जून को बंद बुलाया था। मुस्लिम संगठन नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान का विरोध कर रहे थे। इस दौरान हिंसा फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर भी लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पोस्टर में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ नाबालिग भी हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने खुद आकर सरेंडर किया। पुलिस ने 147 ऐसी इमारतों की पहचान की है जहां से पत्थरबाजी की गई थी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी से पहचान होने के बाद इन इमारतों की अवैधता की भी जाँच की जाएगी। इसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।